हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, लाइट कट गया था जिसके वजह से हमने पूरे प्राचीन बिहार के इतिहास को नहीं पढ़ाया था। आज हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसके पूर्व की, तो कहाँ तक मतलब हम पढ़ाए थे जहाँ से लाइट कट गई, तो देखिए आर्यों का आगमन था। अगर बात करें हम लोग तो आर्यों का जो आगमन था यहाँ तक क्लास हुआ था, उसके बाद लाइट कट गई। तो हम लोग फिर से यहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअली अगर बात किया जाए तो आर्यों का जो आगमन है ये ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि आर्यों के जो आगमन है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि अगर बात करें तो भारत में आर्यों का जो आगमन होता है वो 1500 BC में होता है। अगर कहें कि आर्यों का जो आगमन कहाँ से होता है, तो देखिएगा वो होता है मध्य एशिया के क्षेत्र से, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना विचार दिया है, अपना उनका संदर्भ है, अपना एक दृष्टिकोण है। ईरान का क्षेत्र होता है मध्य एशिया, वहाँ से ये आते हैं, और ये जो आते हैं वहाँ से बहुत सारे प्रकृति, बहुत सारे लोगों से लड़ते झगड़ते यहाँ भारत पहुँचते हैं। और भारत पहुँचते हैं कहाँ पर, तो सप्त सैंधव प्रदेश अगर माने तो देखिए पंजाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पे 5 नदियाँ वहाँ पे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और वहाँ पे ये क्या होते हैं कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जैसे ही आर्यों का आगमन होता है भारत में लिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत और दुनिया का सबसे मतलब कहें तो प्रथम जो नगरीकरण और शहरीकरण वाला जो सभ्यता हमारे भारत में था, जिसको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका पतन इनके माध्यम से हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों का, बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिहार का इतिहास, तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कोई सोर्स और कोई साक्ष्य, कोई जो ये कहें तो संदर्भ की अगर बात करें, तो कोई भी प्रमाण और कोई भी साक्ष्य हमारे बिहार में नहीं मिलता, जिसके वजह से हम हड़प्पा सभ्यता का मतलब बिहार के लिए नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब ये सब सैंधव प्रदेश में आकर के आर्य यहाँ पे बस जाते हैं, तो धीरे धीरे, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, वो आगमन उनका होता है पूरब की तरफ में। और जैसे ही पूरब की तरफ ये बढ़ते हैं, वहाँ से सप्त सैंधव प्रदेश, अगर आप पंजाब का क्षेत्र अगर देखते हैं, तो वहाँ से जब ये पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो लगभग कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि लगभग 800 बीसी में कहाँ पहुँचते हैं, ये हमारे बिहार पहुँचते हैं। और बिहार पहुँचते हैं और वो होता है गंडक नदी, जिसको सदा नीरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए कहा जाता है उसके पहले अगर देखा जाए, तो देखिएगा लगभग 1000 BC में यहाँ पे लोहे की प्राप्ति हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है। और ये लोहे की खोज क्या करता है, यह एक क्रांति का काम करता है। जिस तरीके से देखिएगा, इसलिए लोहे की खोज ने यानी कि साम्राज्य के उत्थान में और साम्राज्य के विस्तार में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। और साथ ही साथ अगर बात कर दिया जाए, तो देखिएगा यहाँ पे जो कृषि की बात होती है, कृषि में अधिशेष की बात होती है, और कृषि में बहुत ही डेवलपमेंट की बात होती है। जैसे में देखिएगा, जैसे ही लोहे की प्राप्ति होती है तो लोहे का उपयोग कृषि में किया जाने लगता है। जैसे हम लोग साम्राज्य विस्तार की अगर बात कर दें, तो नए नए हथियार बनाए जाते हैं और हथियारों में लोहे का प्रयोग होने लगता है, जिससे उनकी कौशलता तो बढ़ती ही बढ़ती है। साथ ही अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो यहाँ पे कृषि में जिस तरीके से लोहे का खोज होता है, उससे यहाँ का क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये दोनों का दोनों जिस तरीके से, जिस गति से और जिस तीव्र गति से बढ़ता है, इसका असर कहीं ना कहीं साम्राज्य को बहुत व्यापक रूप देने में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। अगर हम उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्यों के आगमन के बाद, अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आता है एक महाजनपद। हमें बिहार में महाजनपद पढ़ना है, और बिहार में महाजनपदों की संख्या की बात कर दिया जाए तो महाजनपद यहाँ पे 3 होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर महाजनपद की बात करेंगे हम लोग, अगर महाजनपद की बात करेंगे तो देखिएगा ये हो जाता है आपका महाजनपद से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिहार का इतिहास जो है नहीं पढ़ने की वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि देखिएगा बिहार स्पेशल की बात कर दिया जाए तो 25 से 30 प्रश्न आपके 69 BPSC में, कोई भी मतलब आप एग्ज़ाम उठा के देखिएगा, तो आपका इसका वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग को यहाँ पर महाजनपद पढ़ना है, तो सबसे पहले महाजनपद की
पढ़ने के पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा, जब यहाँ पे वैदिक काल यानी कि कह सकते हैं कि 1500 से लेकर के 600 जो बीसी की बात हो रही है, 1500 बीसी से 600 बीसी की जो बात हो रही है इसको वैदिक काल कहते हैं। और इस वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिएगा ये पूर्व वैदिक काल में अगर बात किया जाए तो प्रशासन के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक जन आ जाता है, ठीक। उसके बाद छोटे छोटे जो जन होते हैं वो आपस में बहुत सारे लड़ते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जब ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं जन से तो जनपद बन जाते हैं, जन से क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। और यही जनपद अनेकों जनपद जब एक एक जनपद में ये लोग बंटने लगते हैं तो इसी को हम लोग महाजनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं। और महाजनपद के बाद क्या होता है, राष्ट्र होता है या राज्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है महाजनपद। ये महाजनपद की अगर बात कर दिया जाए तो पूछा जा सकता है इसका मतलब वर्णन कहाँ पे है, इसका जिक्र कहाँ पे है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख की अगर बात कर दिया जाए तो एक है अंगुत्तर निकाय में, इसका अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा जाता है हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देखिएगा बिहार में तीन महाजनपद हैं। अगर बिहार को हम लोग दो भागों में बांट के यहाँ पे देखेंगे, अगर बिहार को दो भागों में बांट के देखा जाए तो देखिएगा, अगर हम लोग इस बिहार को थोड़ा सा मैप के तौर पे समझेंगे इसको, तो देखिए ये हो जाता है आपका गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांटती है। तो गंगा के उत्तर में एक महाजनपद हो जाता है और गंगा के दक्षिण में दो महाजनपद हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाता है आपका लिच्छवी। क्या हो जाता है, यह आपका लिच्छवी हो जाता है, यानी कि आपको बजी, आप इसे बजी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, ये आपका वजी हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे देखते हैं गंगा के किनारे जो पाटलिपुत्रा का जगह होता है इसको मगध महाजनपद बोलते हैं। कौन सा, ये देखिए मगध हो जाता है। और तीसरा जो भागलपुर का क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं ये हो जाता है आपका अंग हो जाता है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। और तीन ही महाजनपद पढ़ना है, ठीक है। और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, और मगध के उत्कर्ष के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे और किस तरीके से मतलब ये VVI बन जाता है, और ख़ास करके BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ से पूछा जाता है। इसके पहले अगर बात कर ले तो हम लोग डिटेल्स में पूरा पढ़ने की कोशिश की है पाषाण काल को। पाषाण काल को पढ़ा हम लोगों ने, तीन भागों में इसको बांट करके देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद ताम्र पाषाण काल भी हम लोगों ने पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता को इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि यहाँ पे उसका प्रमाण और साक्ष्य हमारे पास नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोगों ने वैदिक को पढ़ा, और वैदिक के बाद हम लोग इससे यानी कि महाजनपद जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें इस बज्जी का, अगर हम लोग देखेंगे तो बज्जी अगर हम देखते हैं तो बज्जी का अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये जो बज्जी है ये समझिए कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में ये अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय स्थान कैसे रखता है तो देखिएगा ये जो वज्जी है यहाँ पे आठ जो गणराज्य है जिसमें एक गणराज्य जिसका नाम है लिच्छवी, लिच्छवी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से समझिए कि अगर जैसे गणतंत्र की जब भी बात होती है तो आप इसका प्रमाण जैसे ही देते हैं आपको लग जाता है कि विश्व में पहला जो गणतंत्र की स्थापना हम देखते हैं वो हमारे बिहार में ही हुआ था, और कौन सा था, लिच्छवी गणराज हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई बज्जी का राजधानी कहाँ पे है तो बज्जी का राजधानी अगर आपसे पूछे तो बज्जी का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए वैशाली हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, वैशाली हो जाएगा। अगर बज्जी के बारे में पूछे कि बज्जी का राजधानी कहाँ पे है तो बज्जी के राजधानी के बारे में बहुत बार पूछे हैं, ठीक है। बज्जी का राजधानी कहाँ होता है, वैशाली हो जाता है। अगर मानते हैं कि बज्जी जो महाजनपद हम पढ़ रहे हैं तो अभी वर्तमान में ये बज्जी कहाँ तक थे तो देखिएगा ये आपको वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपको हो जाता है, ये आपका जो क्षेत्र होता है ये आपको होता है वैशाली, वैशाली और प्लस में मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होता है, इसको याद रखेंगे। ये बज्जी हो जाता है, और बज्जी में अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये आठ गणराज्यों की बात होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा लिच्छवी गणराज्य। हम लोग पढ़ते हैं लिच्छवी गणराज्य प्रथम गणतंत्र था, विश्व का प्रथम गणतंत्र, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा, तो वज्जी हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे 8 गणराज्यों की चर्चा की गई है। तो ये कि जो महाजनपद है ये क्या होता है, गंगा के उस पार है यानी कि उत्तर में है, जिस महाजनपद का नाम क्या है, वजी। और वजी की राजधानी के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो इसका राजधानी होता है वैशाली में। अगर इसके क्षेत्र की बात कर दिया जाए तो ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, दूसरा हम लोग देखते हैं ये हो जाता है आपका क्षेत्र मतलब मगध का। देखिए ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो जब जैसे ही हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो यही मगध का जो सम्राट होता है वो अखंड भारत को एक साथ जोड़ता है। और जिस तरीके से ये रूप और दिशा और दशा बना दिया जाता है भारत के लिए, मतलब समझिए कि हम लोग भारत के इतिहास में, जो प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरे भारत को समझिए कि एक नए दिशा में मोड़ने वाला यही मगध के शासकों ने यह काम किया था। और ये प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल यहीं पे डिपेंड हो जाता है। और यहाँ से एक कह सकते हैं कि केंद्रीय एक बहुत ही सशक्त, जो आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखते हैं, अशोक सम्राट के समय में देखते हैं, यहीं से उसको क्या किया जाता है, यहीं से उसको हैंडल किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। तो दूसरा हम लोग इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद की अगर बात कर दिया जाए तो इसका राजधानी आपको देखेंगे, मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो देखिएगा गिरिबज या राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाता है, गिरिबज और राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं तो पटना, नालंदा और गया का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे देखिए ये पटना और नालंदा और गया का क्षेत्र यहीं हो जाता है। पटना, नालंदा और गया का क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे। देखिएगा पटना हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा नालंदा हो जाएगा और गया का क्षेत्र हो जाता है मगध साम्राज्य में। यहाँ पे मगध साम्राज्य हो जाता है, ठीक है। और इसकी राजधानी की अगर बात कर दे तो हम लोगों ने देखा इसकी राजधानी ये राजगिरी हो जाती है या गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। गिरिब्रज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कि अगर हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे तो बिहार में जो महाजनपद है वो आपको दक्षिण बिहार में दो ही महाजनपद हो जाता है। एक महाजनपद है मगध और दूसरा महाजनपद है अंग हो जाता है, जिसका राजधानी चंपा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने लक्ष्मी को पढ़ा यानी कि वजी को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, तो मगध महाजनपद है उसके बारे में पढ़ा। और तीसरा महाजनपद की अगर बात कर दिया है तो देखिएगा ये हो जाता है अंग हो जाएगा, ये हो जाता है अंग हो जाएगा। ये महाजनपद की बात कर दिया जाए तो अंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अंग हो जाएगा। अगर अंग की पूछा गया बहुत बार कि अंग का राजधानी कहाँ पे है, अगर राजधानी की बात कर दी जाए तो अंग का राजधानी क्या हो जाएगा, ये चंपा हो जाता है, ठीक है। अंग का राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। अगर क्षेत्र की बात कर दिया कि वर्तमान में क्षेत्र के बारे में बताइए तो क्या हो जाता है, तो ये देखिए क्षेत्र हो जाता है आपको भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाता है, तो ये देखिए ये भागलपुर, भागलपुर और क्या हो जाता है, प्लस में मुंगेर का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो महाजनपद है यानी कि तीन महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा जैसे ही यहाँ पे तीन महाजनपद हम लोगों ने देखा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक जो प्रश्न बनता है मगध का उत्कर्ष हो जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये मगध का जो उत्कर्ष है यहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है आपके पास, ठीक है। मगध का उत्कर्ष जो है यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखिएगा मगध के उत्कर्ष में अगर सवाल पूछा जा सकता है कि मगध के उत्कर्ष कैसे होता है। एक मगध जो महाजनपद होता है वो महाजनपद पूरे भारत को समझिए कि एक ही छत के नीचे वो कैसे लाके खड़ा कर देता है। एक जो मगध है वो अगर बात करें तो अखंड भारत का निर्माण कैसे कर देता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कारण हैं, कारण तो बहुत सारा है, बस हम दो कारणों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए मगध को तो मगध को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा। ये जो भौगोलिक दृष्टिकोण है इसका, भौगोलिक दृष्टिकोण, ये जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, तो मगध के लिए।
ये जो भौगोलिक दृष्टिकोण है ये मगध के उत्कर्ष में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। अगर दूसरा बात कर दें यहाँ पे तो देखिएगा इस मगध पे शासन करने वाले जो राजा जो सम्राट होते हैं उनका भी योगदान बहुत ही ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे व्यक्तित्व की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे व्यक्तित्व की बात कर दें तो जो सम्राट होते हैं जो राजा होते हैं, जैसे मैं देखिएगा यहाँ पे बिंबिसार भी गद्दी पे बैठते हैं मगध पे, अजात शत्रु भी हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, वो भी इस मगध पे बैठते हैं। उसके बाद बात करते हैं अशोक सम्राट का, तीन लोगों का व्यक्तित्व ही इतना विशाल था, इनका व्यक्तित्व और इनका ज्ञान ही इतना अधिक था कि समझिए कि इस मगध से ही इन लोगों ने जब अपनी प्रारंभिक किया था तो इस अखंड भारत को समझिए कि एक ही धागा में पिरो के रख दिया। और कहा जाता है कि अशोक सम्राट के बारे में कि इन्होंने जिस मतलब साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था और जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की पताका भारत अखंड भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी फैला दी, वो अजूबा बात था, अद्वितीय बात था। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले मगध का उत्कर्ष को अगर देखेंगे तो एक होता है भौगोलिक कारण। जैसे आप देखेंगे अगर गिरिवज को देखते हैं या देखते हैं आप पाटलिपुत्रा के क्षेत्र को देखते हैं तो देखिएगा चारों तरफ से आपको पहाड़ियों से घिरा हुआ मिलेगा। उसके बाद ये गंगा नदियों के तलहटी पे यानी कि तट पे आप देखते हैं जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि का क्षेत्र होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि मगध के उत्कर्ष में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पहुँचाता है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि व्यक्तित्व को लेकर के, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। जैसे यहाँ पे इस मगध पे कौन कौन यहाँ पे सम्राट और कौन कौन वंश यहाँ पे आते हैं जो राज करते हैं, तो अगर सबसे पहले अगर बात कर दे तो देखिएगा एक वंश होता है जिसका नाम है बृहद्रथ वंश हो जाता है। हालांकि इसका चर्चा इतिहास में नहीं है, हालांकि अगर बात करें तो इसका चर्चा इतिहास में नहीं है, इसका चर्चा आपको पुराणों में मिलता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे इसके बाद अगर जैसे यहाँ पे एक सम्राट होते हैं जिसका नाम होता है जरासंघ कभी कभी चर्चा मिल जाता है, लेकिन इसका चर्चा भी इतिहासों में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात कर दे पुराणों के अनुसार अगर बात कर दे तो मगध पे जो राज करने वाला जो प्रथम वंश था वो कहा जाता है कौन था, तो बृहद्रथ वंश था। इसकी चर्चा नहीं मिलने के वजह से सबसे पहला कौन सा वंश आ जाता है, वो हो जाता है हर्यक वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है, तो हर्यक वंश हो जाता है। और ये हर्यक वंश का प्रमाण आपको इतिहास में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो इतिहास है जैसे इसकी अगर बात कर दिया जाए तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पे पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्राचीन बिहार के इतिहास में देखिएगा ये टोटल का टोटल देखेंगे हम लोग तो एकदम कंप्लीट प्राचीन भारत के इतिहास में यानी कि भारत के इतिहास से हम लोग को पढ़ना है। और मैंने इसे पढ़ा दिया है, अगर आप वहाँ पे देखना चाहेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पूरे डिटेल्स में मैंने इसको पढ़ाया है, जहाँ से एक प्रश्न भी आपको नहीं छूटेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के सवाल भी आपके जैसे मैंने वहाँ पे हर एक वंश की मगध का उत्कर्ष जिस तरीके से पढ़ाया है वहाँ से आपको प्रश्न नहीं छूटने वाला है। उसके बाद मौर्य वंश देखेंगे, उसके बाद सुंग अगर सब कुछ देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा जो कंप्लीट आपके प्राचीन भारत का इतिहास मैंने वहाँ पे स्टडी कराई है। लेकिन हाँ इस पर ज़रूर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसलिए हम चाहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न बन जाए। तो देखिएगा हर्यक वंश की अगर बात कर दी जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं, बिंबिसार होते हैं याद रखेंगे। हर्यक वंश का जो संस्थापक है जो स्थापना उन्होंने किया उनका नाम है बिंबिसार। और देखिए बिंबिसार ने इससे हर्यक वंश की इस मगध को कितना बेहतर उत्कृष्ट किया, कितना समझिए कि कितना मजबूत इसको आधार प्रदान किया, उसके दो तीन कारण थे। जैसे आप देखेंगे बिंबिसार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा इन्होंने इस वंश को अपने वैवाहिक नीतियों के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाया, उन्होंने वैवाहिक नीतियों का सहारा लिया जिसके माध्यम से देखेंगे कि कुछ ऐसे जो संभावना थे अटैक होने की जो संभावना थी कहीं ना कहीं मगध को और उत्कृष्टता या कहीं खतरा पैदा हो रहा था उस खतरे को उन्होंने क्या कर दिया, टाल दिया। जैसे मैं देखिएगा अकबर को अपने पिता और पितामह के द्वारा जो काम किया हुआ उन्होंने, जैसे देखिएगा अकबर इस बात को जानते थे
अकबर को इस बात का पता था कि मेरे पिता और पितामह के साथ कैसे मतलब प्रॉब्लम हो गया, यानी कि राजपूतों का सहयोग न मिलने की वजह से उनका साम्राज्य क्या हुआ, वो पतन के गर्त में चला गया। जब गद्दी पे अकबर बैठा तो उसको समझ में आ गया कि जब तक भारत में राजपूतों को अगर मिलाते नहीं हैं तब तक यहाँ पे एक अच्छे साम्राज्य का और बहुत ही सुसंगठित साम्राज्य का स्थापना करना बहुत ही मुश्किल होगा। तब उसने क्या किया, उसने राजपूत नीति लागू की, और राजपूत नीति में वैवाहिक जो नीतियाँ थीं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, जिसके वजह से देखिएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर को महान के नाम से जानते हैं, अकबर महान के नाम से जानते हैं। अकबर ने बहुत सारी ऐसी नीतियों को लागू किया जिसके वजह से उसने मुगल साम्राज्य की पताका बहुत ही ऊंचाई पर लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे भी देखते हैं हर एक वंश के जो सम्राट हैं, जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है बिंबिसार नाम है, इन्होंने भी वैवाहिक जो नीतियाँ हैं उसको ये क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए जो तीन संबंध इनका बनता है इससे क्या होता है, मगध में उनकी जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा बिंबिसार के दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, परम मित्र के रूप में गौतम बुद्ध को भी दिखाया जाता है, और कहा जाता है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध के क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, परम मित्र थे, और उनका जो बौद्धिकता था कहीं ना कहीं ये मगध में भी मतलब देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा सम्राट होता है, जो बिंबिसार के पुत्र होते हैं, उन्होंने क्या किया, साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अजात शत्रु से देखिएगा भले उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया, जिसके वजह से अजात शत्रु को पितृहंता के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि इनके यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न है कि इन्होंने पहली बार बौद्ध संगीति यानी कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कहाँ पर, राजगीर गिरी ब्रज में। यहाँ से ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम तीसरा की अगर बात करेंगे तो देखिए यही हर एक वंश से ही तीसरा सवाल जो पूछा जाता है वो है उदयन के बारे में। अगर देखेंगे हम लोग तो हर एक वंश के जो सम्राट होते हैं वो अजातशत्रु के जो पुत्र होते हैं जिसका नाम है उदयन, वो भी अपने मतलब पिता जैसे अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र का क्या किया, स्थापना किया था, सोन और गंगा के संगम पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और बाद में अपनी राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी से क्या कहाँ लाया, वो पाटलिपुत्र लाया। तो ये तीनों जो सम्राट हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सम्राट यहाँ पे आया वो होता है आपका शिशुनाग वंश। उसके बाद जो वंश यहाँ पे आता है वो होता है यहाँ पे कौन वंश आता है, शिशुनाग वंश हो जाता है। देखिए शिशुनाग वंश से एक ही प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कालाशोक के बारे में। देखिए कालाशोक ने इस अगर बात करें यहाँ पे तो इसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थापित किया था, और देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति है जो कालाशोक के समय में आयोजन होता है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, किसके समय में, कालाशोक के समय में, ठीक है। और इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो थर्ड हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को थर्ड जो पढ़ना है वो है हमको नंद वंश पढ़ना है। और देखिए नंद वंश में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वो होता है आपको घनानंद। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो नंद वंश पढ़ना है। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में कंप्लीट एक सब्जेक्ट होता है, और हम लोग बिहार को अगर हम अलग अलग बांट करके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो हमने पढ़ा दिया है, आप देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो हर एक वंश आपको सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा, और पूरे डिटेल्स में हमने कोशिश किया है वहाँ पे बताने का। अगर आप उसको वहाँ पे अच्छा से पढ़े अगर देखते हैं तो आपका प्रश्न वहाँ से नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे आपको ज़रूर बताएंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज और अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सटीक किताबों का अध्ययन करिए, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न आते ही आते हैं। देखिएगा घनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंद वंश के ये अंतिम सम्राट हो जाते हैं, और कहा जाता है कि इसी समय में एक सिकंदर जो बेबीलोन से चलता हुआ जो भारत पहुंचता है, और ये कहा जाता है कि घनानंद बहुत ही शक्तिशाली सम्राट होता है, बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि इसकी सैन्य जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को ये बात का खबर होता है। किसको, तो सिकंदर के सेनाओं को इस बात का पहले से अंदाज़ा होता है कि भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट है। उसके भय से इतना ये लोग आतंकित हो जाते हैं कि सिकंदर के बार बार कहने के बाद भी वो क्या करते हैं, हिंदू को उसको पार नहीं कर पाते हैं, और अंततः सिकंदर अपनी ही सेना से
जो विश्व विजेता का सपना और ख्वाब दे करके वो चला था भारत को जीतने के लिए, वहाँ पे उसका सपना टूट जाता है। क्योंकि घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद के बारे में कहा जाता है यह एक शूद्र राजा था और यहाँ पे शक्तिशाली था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और अगर प्रश्न आपसे पूछ देता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था, तो यही घनानंद है, जहाँ से बार बार प्रश्न आपको पूछा जाता है। और इसी समय देखिएगा, इसी समय इसी के मतलब राज्य में एक ब्राह्मण जिसका नाम था चाणक्य, जिसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसका नाम था कौटिल्य, ये कौटिल्य रहता था। और कहा जाता है कि घनानंद ने उस ब्राह्मण को, कहा जाता है कि देखिएगा फिल्म में भी देखिएगा, उसको पीठ पे लात मार के भगाता है। यहाँ पे दिखाया गया इस चीज़ को, ठीक है। और कहता है उस पर राजद्रोह का, समझिए कि वो मुकदमा उकर देता है, उस पर जो राजद्रोह का जो आरोप लगता है, कहा जाता है कि इसको इस देश से निकाल दो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस राजा का जो मतलब समझिए कि जो राज है यहाँ पे जो चल रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अंततः पूरा डिटेल्स में तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम है और पढ़ाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमने इस चीज़ को दूसरे चैप्टर में अगर कहें तो भारत के प्राचीन भारत का जो इतिहास है, मैंने उसमें इस चीज़ को पढ़ाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और आपके पास बहुत कम टाइम है, 30 दिन का टाइम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि इसने, किसने, यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या करता है, घनानंद की हत्या करके यहीं पे, यहीं नंद के खत्म मतलब समझिए कि नंद वंश पे ही ये मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। कौन करता है, तो देखिएगा ये चाणक्य के माध्यम से होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, यानी कि घनानंद के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये मौर्य वंश की स्थापना कर दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश यहाँ पे आया, तो देखिए ये वंश आपका हो जाता है मौर्य वंश हो जाता है। और मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, उसके बाद कौन सा होता है, मौर्य वंश हो जाता है, ठीक है। और देखिए मौर्य वंश में हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो देखिए यहाँ पे तीन सम्राट हैं और तीन सम्राटों की अगर बात कर दें तो उसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला अगर बात कर दें तो देखते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखिएगा पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इन्हीं के समय में भारत को विदेशियों से क्या मिली, मुक्ति मिल गई थी कहा जाता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि पहला और प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय संधि इन्होंने किया था, किसके साथ किया था, सेल्यूकस के साथ किया था। और इन्हीं के दरबार में सेल्यूकस का जो राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, यहीं पे आया था और इसी ने इंडिका लिखा था। और इंडिका की अगर बात कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारा आयाम है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, और इसको भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इनका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है बिंदुसार, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, बिंदुसार होता है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, इस समय में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन उतना पूरा डिटेल्स यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रश्न होते हैं, इनके पुत्र जो हैं उनका नाम है अशोक सम्राट, यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अशोक सम्राट है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके द्वारा किए गए धर्म जो है, जो अभिलेख है उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इनके प्रशासन से संबंधित देखेंगे तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखा जाता है अशोक सम्राट को प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक महान के नाम से जानते हैं। किसी भी सम्राट को महान के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता, उनकी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग देखेंगे अशोक सम्राट के बारे में, तो इन्होंने कहा जाता है इनके ज़िंदगी में एक कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध के माध्यम से इन्होंने, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म के लिए जिस तरीके से अशोक सम्राट ने काम किया, इतिहास के किसी भी सम्राटों ने इस तरह से काम नहीं किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अशोक सम्राट के बारे में, तो कहा जाता है कि बहुत ही क्रूर सम्राट थे। दिव्यावदान और दीपवंश की अगर बात कर दिया जाए, महाया मतलब दीपवंश और दिव्यावदान की बात किया जाए, तो देखिएगा सिंहली कुछ ऐसे जो अनुश्रुतियाँ हैं जिसके आधार पर देखा जाता है, कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने अपने लगभग 99 भाइयों की हत्या किया था। और यहीं पटना के आगम कुआं के क्षेत्र अगर देखेंगे तो वहीं एक कुआं होता है जिसमें सबको काट करके क्या कर दिया, उसी में डाल दिया। और उसके बाद इसने
मौर्य का उत्तराधिकारी बना। तो यहाँ से पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दशरथ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आजीवक संप्रदाय को उन्होंने क्या किया था, कंदराओं को काट करके जो बनाई गई थी गुफा, उसको गुहा जो बनाया गया था उसको क्या किया गया, दान में दे दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद मौर्य वंश के बाद देखिएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। कौन सा आता है, तो शुंग वंश आता है। ठीक है, तो कौन सा आता है, तो शुंग वंश आ जाता है। शुंग वंश की स्थापना के बारे में अगर कहा जाए तो देखिएगा, इसका स्थापना पुष्पमित्र शुंग करता है। और पुष्पमित्र शुंग की अगर बात कर दिया है तो कहा जाता है कि इसने, पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट रहता है, ठीक है, अंतिम सम्राट जो रहता है उसी की हत्या करके ये गद्दी को धारण करता है। और पुष्पमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम ब्राह्मण था जिसने क्या किया, एक ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी यहाँ पे कर दी। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के विनाश के लिए इसका कदम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसने एक बार कहा भी था कि जो व्यक्ति अगर किसी बौद्धिस्ट का, बौद्ध भिक्षु का अगर गला काट के लाता है तो मैं 1,000 दिनार दूंगा। इसके वजह से सारे बौद्ध भिक्षु क्या कर दे, डर के भाग गए यहाँ से। ठीक है, तो शुंग से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाई चांस से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कन्नौ हो जाते हैं, शुंग के बाद देखिएगा कन्नौ हो जाते हैं, यहाँ पे कन्नौ के बाद देखेंगे सातवाहन आ जाते हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कन्नौ सातवाहन हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं गुप्त वंश से। ठीक है, देखिए गुप्त वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं और गुप्त वंश को आप VVI में रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यही वजह है कि हमने 70 के लिए क्लास अपना स्टार्ट किया है। अगर जो इच्छुक हैं और चाहते हैं कि 70 में एडमिशन लें तो उसके लिए हमारे पास एक, मतलब समझिए कि ये होता है, एक तरीका होता है। अगर वो ये सोच के आते हैं कि मुझे BPSC फाइट करना है, UPSC फाइट करना है, तो सबसे पहले हम एक बात ज़रूर उनसे बोलते हैं कि कहीं भी जाने के पहले आप 6 महीने तक और 5 महीने तक, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, अगर पुराने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए नया पुराना में नए लोग जल्दी फाइट कर जाते हैं पुराने लोगों की अपेक्षा, तो नए लोगों को हम यही बात करते हैं कि एडमिशन लेने के पहले उनको टाइम देते हैं कि कुछ दिन तक आप NCERT का अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। जैसे पुराने लोग हो जाते हैं कि अगर पुराने लोग हैं और अपनी तैयारी में अगर बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पूरी जोर शोर के साथ, पूरी सीरियस होने, मतलब होकर के आप यहाँ पे आइए तैयारी के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने ये किया है कि अगर आप PT फाइट करते हैं तो यहाँ पे मेंस की जो पूर्ण गारंटी की बात होती है वो हम आपको देते हैं। क्योंकि देखिएगा PT अगर आप निकालते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे है कि मेंस की जो तैयारी होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं अभाव दिखता है, कहीं ना कहीं कमी दिखता है। अगर जैसे होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की अगर बात कर दी जाए तो हम तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं नहीं, लेकिन ज़रूर ये बात कहेंगे आपको अगर आप समझदार हैं तो, कितना परसेंटेज है जो वहाँ पर वो लोग रिजल्ट देता है। दिल्ली की बात कर लीजिए, हम लोग 6-7 साल दिल्ली में भी रहे, जितने भी इंस्टीट्यूट है सबका जो षड्यंत्र है, जो सबका जो तरीका है वो आदमी जानता है। तो बहुत सारा लोग हैं, अपना अपना जो भी है बहुत तरीका। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको समझना होगा, आप समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, और तैयारी का जो एक तरीका होता है, कैसे कैसे इसको तैयारी करेंगे, आपसे बेहतर कौन समझेगा, कोई ना कोई आपके मदर फादर भाई बहन कोई ना कोई होगा, उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और तैयारी करने का जो तरीका है, सबसे पहले कि कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में आप लोग ज़रूर विचार करिएगा। मेरे पास जो भी तरीका होता है वो हम मेंस से स्टार्ट कराते हैं। PT से कोई भी आदमी फाइट नहीं कर पाता, और अभी का जो संदर्भ देखते हैं, जिस तरीके से BPSC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके से काम करना शुरू किया, जिस तरीके से जिस लेवल पे BPSC को ला के खड़ा करना चाहते हैं, उस लेवल में अगर बात किया जाए तो PT से आपका काम नहीं चलेगा। आपकी तैयारी PT से नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी मेंस से स्टार्ट होना चाहिए, मेंस प्लस PT। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तब समझिए कि आप निश्चित तौर पर 100% आप फाइट करेंगे। मैंने यही तैयारी लोगों अपने स्टूडेंट से कराया है। हमारे यहाँ देखिएगा, हमने UPSC का फर्स्ट, समझिए कि
जो अपियरिंग में एक लड़का था उसको मैंने ये करवाया था। तो ये होता है कि भाई आप कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये मायने रखता है। सटीक किताबें होनी चाहिए आपके पास, बहुत सारा लोगों का नोट्स नहीं होना चाहिए। अगर नोट्स पढ़ के, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ के ही लोग आईएएस बन जाता है तो बहुत सारी संख्या है। सबके पास नोट्स है, सबके पास किताबें हैं, बस उसे पढ़ते कैसे हैं ये जानना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको समझिए कि बहुत कम इंस्टीट्यूट वाले हैं जी जो इस चीज़ को सिखाते हैं, नहीं तो आपको खुद बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद ये सब चीज़ें आपके अंदर आता है। तब तक दो चीज़ें हो जाएगी, या तो रिजल्ट के करीब पहुंच जाते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ से या यूपीएससी और बीपीएससी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें हो अगर हम लोग देखेंगे, खैर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए गुप्त वंश की अगर बात कर दे तो गुप्त वंश की स्थापना सिरगुप्त करते हैं, लेकिन यहाँ से जो तीन जो सम्राट हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि लगभग यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो इतना गैप जो होता है उसमें फिर से दोबारा जो एक केंद्रीकृत जो साम्राज्य होता है उसकी स्थापना ये गुप्तों के समय में ही हो जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं गुप्त वंश का, जो बहुत ही प्रतापी सम्राट कहा जाता है, और इनके बारे में कहा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर देखा जाए तो देखिएगा इसी के समय में फाहयान एक चीनी यात्री आता है। अगर इसी के समय में देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखेंगे तो यहाँ पे नवरत्न मतलब नौ जो विद्वान हैं इसी चंद्रगुप्त जो मतलब जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इन्हीं के दरबार में वो लोग रहते हैं, जिनका नाम अगर देखेंगे तो देखिएगा एक का नाम कालिदास होता है, कालिदास हो जाते हैं, ठीक है, वराहमिहिर हो जाते हैं, और धन्वंतरी जैसे जो लोग होते हैं ना यहाँ पे, धन्वंतरी जैसे लोग यहीं पे इन्हीं के दरबार में रहते हैं। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो देखते हैं तो समुद्रगुप्त होते हैं, और समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो समुद्रगुप्त की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, इनको कविराज के रूप में भी दिखाया जाता है, ठीक है, और कहा जाता है कि ये लोग बौद्ध धर्म को क्या करते थे, अंगीकार किए हुए थे। और समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गायों का इतना ज़्यादा दान दिया और स्वर्ण मुद्राओं का बहुत ज़्यादा दान दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद देखिएगा कहा जाता है इसमें कि गुप्त वंश के बाद देखिएगा पाल वंश हो जाता है, ठीक है, कौन हो जाता है, तो पाल वंश हो जाता है। उसके बाद देखिएगा हम लोग को ये पढ़ना है, पाल वंश पढ़ना है, ठीक है। और पाल वंश की बात किया जाए तो देखिए इसकी स्थापना गोपाल करते हैं, और पाल वंश के अगर बारे में देखा जाए तो बंगाल और बिहार में इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का स्थापना कर दिया। कहाँ पे? तो देखिएगा बंगाल और बिहार में। और पाल अगर इसके बारे में हम लोग जानते हैं पाल वंश के बारे में, तो देखिए गोपाल से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए धर्मपाल से प्रश्न पूछा जाता है, और देवपाल से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगर गोपाल के बारे में देखिए तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो धर्मपाल होते हैं। कहा जाता है कि पाल वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था, और इन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पाल वंश से संबंधित, देखिएगा बिहार में पूछा जाता है। और अगर बात हम लोग करेंगे तो यहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये जो समझिए कि बौद्ध मतलब ये कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक समझिए कि ज्ञान का केंद्र हो जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो प्रथम यानी कि बौद्ध यूनिवर्सिटी हो जाता है, जिसकी विध्वंस की अगर बात की जाए तो बख्तियार खिलजी होता है। बख्तियार खिलजी क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देता है, उसमें आग लगा देता है। और आग कहा जाता है कि आग इतने दिनों तक वो समझिए कि जलता रहता है, कि मतलब समझिए कि 3 माह तक आग उसमें लगी रहती है, और उसके लाइब्रेरी में जितने ग्रंथ हो जितने किताबें होते हैं उसको जलने में लगभग 3 माह से कहीं ज़्यादा टाइम लगता है। और ये कहा जाता है कि इसने
यानी कि गुप्त के बारे में कहा जाता है कि स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से, यानी कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाता है, और आपको सारा का सारा प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये हो जाता है आपका, समझिए कि इम्पोर्टेंट होता है, और जितने भी वंश होते हैं प्राचीन भारत में, ये आपका अंतिम हो जाता है जहाँ से आपको पढ़ना होता है। देखिए उसके बाद जो है, जो पढ़ना है हम लोगों को, वो है यहाँ पे देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात है, तो देखिएगा यहाँ पे जो संप्रदाय है, अगर संप्रदाय की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे संप्रदाय से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे नास्तिक संप्रदाय की अगर बात कर दी जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है आपको जैन और बौद्ध से प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म यहाँ से प्रश्न पूछता है, और दूसरा जो है वो जैन धर्म से प्रश्न पूछता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो है यह प्रश्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ जो देखेंगे तो महावीर हैं, महावीर से प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और पूरे डिटेल्स में पढ़ना होता है, सर्वाधिक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हमने भी अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध को हमने पढ़ाया है अच्छे तरीके से, अगर वहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जीवन से लेकर के उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या हो जाता है, पुत्र का नाम क्या हो जाता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसके वजह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जब घर ये छोड़ करके जब बाहर ये आते हैं तो सबसे पहले इनके ज़िंदगी में कौन सा गुरु आते हैं, फिर गुरु से इनकी इच्छा और इनकी जो उद्देश्य होता है पूरा नहीं हो पाता है, फिर अपने गुरु को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, वो कौन ऐसा जगह होता है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति के पीछे उन्होंने मतलब क्या क्या काम किया ये पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए कि ज्ञान जब होती है, उनके बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके बाद ये क्या चाहते हैं, तब उन्होंने ये शुरू किया कि नहीं हम अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएं, और यही वजह था कि बौद्ध ज्ञान में उन्होंने अपने ही ज्ञान को समझिए कि परीक्षण किया, 7 स्थलों पर 7 जगहों पर उन्होंने क्या किया, इसका मतलब समझिए कि रिवाइज किया। उसके बाद वहाँ पर सबसे प्रथम उपदेश किसको देते हैं, फिर उसके बाद कौन सा संघ का निर्माण होता है, इस संघ में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या काम होता है, ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उनकी मतलब समझिए कि महापरिनिर्वाण कहाँ हो जाती है, उसके बाद इनका संबंध किन राजघराने से होता है, ये सारा का सारा हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसी तरीके से अगर हम लोग महावीर के बारे में देखेंगे तो महावीर के बारे में सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग को अपना स्टार्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने प्राचीन भारत के इतिहास में ये सारे चीज़ों को कराया हुआ है, आप वहाँ से चाहें तो इस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्राचीन बिहार का इतिहास जो है हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कुछ संप्रदाय हैं, जैसे 6 संप्रदायों की अगर बात कर दे तो उनके संस्थापक क्या हैं, ठीक है, मखली गुसाल हो जाते हैं, पकुद कचायन वगैरह ये लोग हो जाते हैं, अजित केट केस कम्बलिन हो जाते हैं, ठीक है, इन सारे के बारे में आप देख लीजिए, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, मध्यकालीन जो बिहार है, बिहार का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप लोग कंप्लीट करिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास होता है और आधुनिक बिहार का इतिहास पूरे डिटेल्स में हम आपको पढ़ाएंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका हो जाता है वो आधुनिक बिहार का इतिहास, और वहाँ से आपको एकदम बढ़िया तरीके से पूरे डिटेल्स, जहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा इसकी गारंटी है, वहाँ से हम आपको स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।